हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ दिशा। एंजल बेबी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज एंजल का बर्थडे है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ में कल शेयर किया था। तो बर्थडे गर्ल आज कैसी तैयार हुई है आपको दिखाती हूँ। दिखा, ये हमारी बर्थडे गर्ल आज की छी। ये हमेशा है ना, ये रबर बैंड खा लेती है, गंदी बात है छी। और बर्थडे में आज मैं बनाने वाली हूँ वेज बिरयानी, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो उसका वेजिटेबल वगैरह एंजल के पापा कट कर रहे हैं ऐसे। और एंजल हेल्प कर रही है उसमें, यहाँ वहाँ बिखेरने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर मैंने बासमती राइस लिया है, उसे मैंने धोकर गैस पर चढ़ा दिया है। उसमें एक चम्मच मैंने ऑयल डाला, नमक और थोड़ा सा खड़े मसाले डालेंगे। मैंने 4 लवंग, 4 काली मिरी, 1 बड़ा इलायची डाल दिया और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं उसके वेजिटेबल की भी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने 4 बड़े चम्मच यहाँ पर ऑयल ले लिया है, जीरा, काली मिरी, लौंग, 1 चक्रीफूर और 1 बड़ी इलायची और थोड़े से दो तेज पत्ते। और मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है 4, हरी मिर्च 8 से 10। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर भी मैंने 4 से 5 ले लिया था। और वेजिटेबल में मैंने यहाँ पर आलू, फ्लावर, परवर, गाजर और बीन्स लिया है। आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। यहाँ पर मेरा चावल भी बॉईल हो चुका है अच्छे से, हमें 90% ही कुक करना है। तो मैं अभी उसे छान लेती हूँ छन्नी की मदद से, तो सारा पानी उससे निकल जाएगा, पूरा सूखा कर लूँगी मैं। यहाँ पे सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। सब्ज़ी भी हमारा अच्छे से थोड़ा हो गया है, अभी हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा बिरयानी मसाला और स्वादानुसार नमक डाला है। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसमें मैंने आधा वाटी मैंने यहाँ पर दही डाला है। दही से है ना सारे सब्जियों का जो स्वाद है इतना अच्छा आएगा ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पर मैंने ढककर इसे स्लो गैस पर 10 मिनट पका लिया है। तो अब हमारी सब्जी भी मतलब हो चुकी है, मैंने गैस ऑफ कर दिया। अभी मैं इसे तरी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं सब्जी डालूंगी नीचे, अच्छी तरीके से फैला लूँगी। फिर उसके ऊपर मैं राइस डालूँगी, उसे भी सब्जी के ऊपर अच्छी तरीके से फैला लूँगी। यहाँ पर मैंने फूड कलर का यूज़ किया है, वो ऑप्शनल है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कीजिए वरना आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ग्रीन और येलो कलर यूज़ किया है। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे छोटे प्लेट की सहायता से उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। फिर उसके ऊपर मैंने धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता कट करके वो भी डाल लिया था। फिर उसके ऊपर मैंने सब्जी डाला है, फिर से चावल की तरी लगाऊंगी। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो वापस से मैंने कलर थोड़ा डाल लिया है जो बचे हुए। यहाँ पर मैंने 2 टोप भर के बनाया है। यहाँ पर मैंने आपको एक ही टोप का दिखाया है लेकिन मैंने 2 टोप बनाया है, यहाँ धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और थोड़ा सा लास्ट में मैंने बिरयानी मसाला ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दिया। अब इसे स्लो गैस पर 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जो हमारा 90% कुक था वो अच्छी तरीके से कुक, देख सकते हो लास्ट में कितना अच्छा दिख रहा है। एंजल, एंजल छुप गई। ये है फुल डेकोरेशन और अभी मैं एंजल को दिखाती हूँ। एंजल, एंजल हटो अभी। एंजल, एंजल नाराज है नहीं? ये देखो एंजल भी तैयार है। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो गाइज, आप लोगों ने देखा मैं जस्ट अभी किचन से फ्री हुई और फ्री होने के बाद में आप लोगों को मैंने विनय भाई का डेकोरेशन भी दिखाया कि उन्होंने किस तरीके से किया है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा।
हर साल हम लोग इतना नहीं करते हैं, जो थोड़ा नॉर्मली बलून वगैरह लेके आके थोड़ा ऐसे वॉल पे लगा देते हैं बस। तो ये साल में सोचा कि थोड़ा और अच्छे से करते हैं तो किया है। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अभी सारा काम अभी तो हुआ है मेरा, सारा भी नहीं हुआ है, आज तो पूरा रात जाने वाला है मेरा काम में। तो अभी मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ टाइम कितना हो रहा है, 6:20। आप देखो 6:20। अभी मैं भी तैयार हो गई हूँ बर्थडे के लिए और मैंने एंजल को भी तैयार कर दिया है। सुबह हम लोग मंदिर नहीं जा पाए थे, काम था, तो अभी शाम के समय पहले एक बार मंदिर जाके आएंगे, उसके बाद में जो भी होगा केक कटिंग वगैरह फिर एंजल की आरती वो सब मैं बाद में करूँगी। अभी हम मंदिर से घर आ गए हैं, एंजल को देख ही सकते हो भाग भाग के जा रही है। यहाँ पर थोड़ा काम हुआ है इसलिए सब बिखरा हुआ है। अभी मैं एंजल की आरती कर रही हूँ घर पे लेके आकर। इसे माचिस बुझाना बड़ा अच्छा लगता है। आज बहुत आराम से बैठी है आरती के लिए, वरना ऐसे शांत से बैठेगी नहीं। उसे अच्छा लग रहा है आज, उसका सब हो रहा है ना, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। इसका आरती तो कर लिया है, अभी इसके पापा की आरती करना बाकी है। अभी वो थोड़ा काम से बाहर गए हैं। इसका बर्थडे स्टार्ट होने के पहले ही एक मतलब फ्रेंड का लड़का आ गया था, तो उसके हाथ में गिफ्ट उसने दे दिया, तो इसको रहा ही नहीं गया, इसने खुद से ही मतलब खोल के उसको इतनी खुशी हुई। ढोल देख के छोटे बच्चों का ऐसा ही होता है ना, वो जिस तरीके से बोल रही थी हमें भी हंसी आ रहा था, मैं भी देख ही रही थी उसे, एक 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 चीज़ निकाल के बता रही थी पापा को। वो खाने के लिए ली। इसके पापा भी आ गए तो इनकी भी मैं आरती कर रही हूँ। इतनी घाई गई थी कि ये सर पे टोपी या रुमाल रखना ही भूल गए, रुमाल लेके भी साइड में रख दिया। मेरे आरती करने के समय हमारी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड, तो वो भी आ गई थी, फिर मैंने उनको भी बोला, फिर उन्होंने भी एंजल का और इनका दोनों का आरती किया।
नंबर डाल दो नंबर। जय बालाजी बना लो। ये सारी मेरी फ्रेंड्स है और वो जो चिप्स खा रही है ना वो भुक्कड़ फ्रेंड है। अपना भी लेने का साथ, अपना आ रहा है उसे। क्या मेरा मेरा आते रहेगा, तुम देखो। ये एंजल के सारे गिफ्ट्स है जो बर्थडे होने के नेक्स्ट डे हमने ओपन किया था। तो इसमें से जो डॉल है ना वो मेरी फ्रेंड ने दिया था जिसने आरती किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सारे ही गिफ्ट्स बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे हैं।